आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं दृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर आज का टीडी जॉब। पटना बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए बुधवार को सूचना जारी कर दी है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थी 28 मार्च से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सामान्य के लिए 16,204, EWS के लिए 4,048, SC के लिए 6,477, ST के लिए 418, OBC के लिए 7,290, BC के लिए 4,861 एवं BC महिला के लिए 1,210 पद निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांग के लिए भी 4% सीट आरक्षित हैं। इसमें दृष्टिबाधित के लिए 421, मूक बधिर के लिए 410, अस्थित दिव्यांग के लिए 397 एवं मानव विकार बहुदिव्यांग के लिए 392 पद निर्धारित हैं। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए 810 पद निर्धारित हैं। नियुक्ति से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जा सकते हैं। इसके लिए राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए वर्ष 2012 या उससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी राज्य व केंद्र सरकार की ओर से होने वाली वर्ग 1-5, वर्ग 6-8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। नियुक्ति के बाद अभ्यर्थियों को 30,500 रुपये प्रारंभिक वेतन मिलेगा। समय समय पर वृद्धि भी की जाएगी। DLED, BT, BEd होना जरूरी। आयोग ने शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की है। इसके लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त VV से 50% अंकों के साथ स्नातक आरक्षित श्रेणी के लिए 5% की छूट दी जाएगी। साथ ही मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी VV पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत VV की शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED, BT, BEd, BSc, ED, BLED परीक्षा पास होना जरूरी है। मार्च के पहले सप्ताह में ही जारी हुए 6,421 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन। BPSC की ओर से 4 मार्च को ही 6,421 पदों पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इसके लिए भी 35,000 रुपये मासिक वेतन निर्धारित हैं। 8 वर्ष का अनुभव जरूरी। पंचायती राज संस्थान नगर निकाय पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा जरूरी है। आवेदन के लिए 1 अगस्त 2021 तक उम्र 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी, इसमें साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा। इसके लिए होने वाली लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पीय होंगे। इसमें 75 अंक सामान्य अध्ययन तथा DLED विषय का 75 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, BC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34% एवं SC ST महिला तथा दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अंक होना जरूरी है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की
कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।